हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम एक फ्री डिस्क का पावर सप्लाई रिपेयरिंग करेंगे। जैसे कि देख सकते हो मेरे पास एक फ्री डिस्क का पावर सप्लाई है। जरा सर इस पे दिक्कत क्या है, बहुत ही नॉर्मल दिक्कत है जो कि हमारा बहुत सा पावर सप्लाई में अगर रिपेयर करते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है। जरा सर इस पे दिक्कत क्या हो रहा है, अगर मैं इसको सप्लाई देता हूँ तो इसका जो आउटपुट है, जो सेकेंडरी साइड है, उस पर हमको वोल्टेज क्या है कम मिला है, मतलब इसका वोल्टेज जो है ड्रॉप हो रहा है। तो आज हम इस तरह का प्रॉब्लम को रिपेयर करना सीखेंगे। और बहुत सब भाइयों लोग अगर रिपेयर करते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम बहुत ही आम देखा जाता है कि हमारा जो सेकेंडरी साइड है उस पे वोल्टेज क्या है बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप होता है, मतलब वोल्टेज जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है 12 वोल्टेज, 5 वोल्टेज, 24 वोल्टेज और हमारा 3.3, लेकिन इस पर क्या है वोल्टेज हमको ड्रॉप हो रहा है और कम मिला है। तो हम इस प्रॉब्लम को आज के वीडियो में हम लोग रिपेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों चलो वीडियो हम लोग चालू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले इसको पावर सप्लाई दे देते हैं और मैंने एक कार्ड से अटैच कर लिया है, और बारी बारी हम लोग वोल्टेज को चेक करेंगे कि कौन सा वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा है। तो मैं इसको पहले सप्लाई दे देता हूं। तो ये देख सकते हो मैंने पावर सप्लाई दे दिया है और इस पर डिस्प्ले पर कोई लाइट नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसका वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा आखिर कौन सा वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा है। तो सबसे पहले हम एक वायर को, जो कि काला वाला वायर है मल्टीमीटर का, उसको हम लोग ग्राउंड कर लेंगे और मल्टीमीटर को हम लोग डीसी वोल्टेज के रेंज पे सेट कर लेंगे। अब चलो हम लोग बारी बारी वोल्टेज चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ हमारा हमको 5 वोल्टेज मिलना चाहिए, तो मैं 5 वोल्टेज चेक करता हूँ। तो ये देख सकते हो दोस्तों हमारा 5 वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है, हमारा 5 वोल्टेज से बहुत ही कम बढ़ रहा है। उसके बाद ये हमारा दूसरा वाला रहता है, ये हमारा ग्राउंड रहता है, और जो कि तीसरा वाला रहता है हमारा 12 से 24 वोल्टेज रहता है, लेकिन इस पे भी हमारा कोई वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद हमारा जो तीसरा नंबर का वायर है ये हमारा 12 वोल्टेज का रहता है, लेकिन इस पे वोल्टेज बढ़ रहा है, ये देख सकते हो 10 से 11 वोल्टेज लगभग बढ़ रहा है। और ये हमारा चौथा वाला जो रहता है ये भी हमारा ग्राउंड रहता है और ये इसका 3.3 है, तो इस पे भी हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो इसका मतलब कुछ कुछ वोल्टेज बढ़ रहा है हमारा और कुछ कुछ वोल्टेज जो है हमारा ड्रॉप हो रहा है। तो हम सबसे पहले इसको सप्लाई से निकाल देंगे, उसके बाद जो ये कार्ड कनेक्ट है उसको हम लोग इस तरह निकाल लेंगे और इसको हम लोग बाहर कर लेंगे। अब ये हमारा पीसीबी रहा, अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा प्राइमरी साइड है और ये हमारा सेकेंडरी साइड। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये हमारा प्राइमरी साइड रहता है जो कि पूरी तरीके से ओके रहता है। अगर वोल्टेज आपका ड्रॉप हो रहा है तो इसी तरफ का सेकेंडरी साइड का ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि हमको सबसे पहले क्या करना है, जो इसका बारी बारी सभी डायोड लगा है, ये देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डायोड लगा है। तो इसको बारी बारी हमको चेक करना है कि इसमें से कोई डायोड शॉर्ट तो नहीं है, कोई डायोड ओपन तो नहीं है। अगर हाफ शॉर्ट भी रहेगा तो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद ये देख सकते हो यहाँ पर 431 एक ट्रांजिस्टर टाइप से एक जीना ट्रांजिस्टर ही है, लेकिन ये लगा रहता है ट्रांजिस्टर लगा है, 431 है, ट्रांजिस्टर नहीं है, कुछ वेरीवेयर कुछ रेजिस्टेंट टाइप से रहता है, लेकिन इसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं आम शब्द में। तो इसको हमको फिर एक बार चेक करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये ट्रांजिस्टर जो रहता है ये तो एक एक खराब नहीं रहता है, तो हमको क्या करना है, डायोड को ही चेक करना पड़ता है। जो यहाँ पे जो सेकेंडरी साइड पे डायोड लगा हुआ है उसको हमको बारी बारी चेक करना है। तो उसको किस तरह चेक करना है, हमको सबसे पहले हमको मल्टीमीटर को क्या करना है, कंटिन्यू रेंज पे आना है। तो मैं पहले कंटिन्यू रेंज पे सेट करता हूँ मल्टीमीटर को, ये देख सकते हो मैंने कंटिन्यू रेंज पे सेट कर दिया है मल्टीमीटर को। अब मैं क्या करूँगा, इसको पहले कंटिन्यू करके देखती हूँ उनका कि हमारा मल्टीमीटर कंटिन्यू बता रहा है कि नहीं। तो ये देख सकते हो हमारा मल्टीमीटर क्या है, कंटिन्यू शो कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग डायोड का एक पॉइंट को जो कि प्लस पॉइंट है उसको इस तरफ रखेंगे और माइनस को इस तरफ रखेंगे। तो हमको रीडिंग बताना चाहिए, सभी डायोड में रीडिंग बताना चाहिए। देख सकते हो इस पर कितना बता रहा है, 553 ऐसा कुछ रीडिंग बता रहा है। तो इसी तरह सभी डायोड पर रीडिंग बताना चाहिए। और ये देख सकते हो इस पर भी हमारा 500 400 ऐसा कुछ बता रहा है रीडिंग, 400 450 ऐसा कुछ रीडिंग बता रहा है। उसके बाद इस तरफ वाला डायोड में देखते हैं तो इस डायोड में भी हमारा रीडिंग बता रहा है। और उसके बाद ये वाला डायोड देखेंगे जो कि 3.3 है, इस पर रीडिंग नहीं बताना चाहिए क्योंकि इसका जो डायोड का सिरा है वो उल्टा लगा रहता है। ये देख सकते हो जो कि ये डायोड है हमारा उल्टा लगा है। तो इस पर अगर हम इस तरह अगर मल्टीमीटर को लगाएंगे तो इस पर कोई रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए। तो मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ,
तो इस तरह अगर हम करेंगे इस वाला डायोड पे हमको कोई रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए, देख सकते हो इस पे कोई रीडिंग नहीं दिख रहा क्योंकि ये डायोड हमारा उल्टा लगा हुआ है। अब हम लोग इस वाला डायोड पे चेक करेंगे जो कि छोटा डायोड है, उस पे हमारा रीडिंग दिखला रहा है, लेकिन इस पे रीडिंग बहुत ही कम दिखा रहा है, जैसे कि देख सकते हो 150 का रीडिंग दिखा रहा है, जो कि किसी भी डायोड में इतना कम रीडिंग दिखलाता है किसी किसी डायोड में, लेकिन इस डायोड में इतना कम रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए। उसके बाद ये बड़ा वाला डायोड में रीडिंग देख लेंगे कि बड़ा वाला डायोड में क्या दिखला रहा है हमारा। तो बड़ा वाला डायोड में भी हमारा रीडिंग दिखला रहा है, ये देख सकते हो 190। अब क्या करेंगे, जस्ट ही हम लोग मल्टीमीटर का प्रो है उसको हम लोग पलट लेंगे। क्या करेंगे, हम काला वाला इस तरफ रखेंगे मल्टीमीटर के प्रो को, और रेड वाला प्रो को हम इस तरह रखेंगे, और इस तरह हम लोग बारी बारी सभी जो डायोड है उस पर रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए इस तरह। ये देख सकते हो इसमें कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है इस डायोड में, ये देख सकते हो, और इसी तरह इस डायोड में भी हमारा कोई रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए, ये देख सकते हो। कुछ समय के लिए दिखाता है क्योंकि कैपेसिटर में हमारा चार्ज रहता है, कुछ सेकंड के लिए ही दिखलाता है और बाकी समय नहीं दिखलाता, ये देख सकते हो इसमें भी कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है। अब इसी तरह इस डायोड में भी हमारा कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए, ये देख सकते हो इसमें भी हमारा कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए। अब इस पर हमारा रीडिंग दिखलाना चाहिए, जो कि ये हमारा इस वाला डायोड क्या है उल्टा लगा हुआ है, तो उस तरफ दिखला रहा था, तो इस तरफ भी हमारा दिखाना चाहिए, देख सकते हो इस तरफ वाला रीडिंग दिखा रहा है, क्योंकि उस जैसे उल्टा अगर करेंगे तो इस पर रीडिंग नहीं दिखलाएगा, सीधा करेंगे तो इस पर रीडिंग दिखलाता है, तो ये देख सकते हो इस पर रीडिंग दिखला रहा है। अब ये वाला डायोड इस पर हमको रीडिंग नहीं दिखलाना चाहिए, इस पर कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हो ये डायोड लगा है, इस पर कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है इस पर देख सकते हो, जब हम लोग पलटे थे तो उस तरफ भी हमारा रीडिंग दिखला रहा था जो कि 150 के करीब था, और अगर हम इसको सीधा भी कर रहा है तो इस तरफ भी हमारा दोनों तरफ से मतलब इस पर रीडिंग दिखला रहा है, और इस वाला में देखते हैं इस तरह वाला भी रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए, ये देख सकते हो, मतलब हम इसको उल्टा चेक कर रहे हैं और सीधा चेक कर रहे हैं, दोनों तरफ से हम क्या है रीडिंग दिखला रहा है, लेकिन ये शॉर्ट नहीं है, ये क्या है हल्का शॉर्ट रहता है, तो हल्का शॉर्ट रहता है फिर भी हमारा बिप का आवाज़ नहीं आता है, रीडिंग दिखलाता है, मतलब ये दोनों तरफ से रीडिंग दिखला रहा है ये वाला जो हमारा छोटा वाला यहाँ पर डायोड लगा हुआ है ये। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हमको सबसे पहले इस डायोड को बाहर निकालना है, और बाहर निकालने के बाद हमको फिर से इसको चेक करना है प्रॉपर तरीके से कि आखिर ये डायोड क्या है, शॉर्ट है या फिर हल्का शॉर्ट है या फिर ओपन है उसको। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये डायोड को ही बाहर निकालूंगा, तो सबसे पहले मैं सोल्डिंग आयरन की मदद से इसको डायोड को बाहर निकालता हूँ। तो इस तरह हम लोग सोल्डिंग आयरन का यूज़ करके इस डायोड को बाहर निकाल लेंगे, तो इस तरह मैं इसको बाहर निकालता हूँ। और दोस्तों छोटा सा गुजारिश, अगर चैनल में नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड अनेक प्रकार का वीडियो मेरे इस चैनल में डालता रहता हूँ। तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया है, ये देख सकते हो, और ये यहाँ पास अटका हुआ है शायद, और मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो इसको चलो हम बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ा सा आयरन, तो ये देख सकते हो मैंने इसको बाहर निकाल लिया है, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसका जो यहाँ पे लगा हुआ था डायोड, यहाँ पे देख सकते हो आप काला पड़ गया है, इसका मतलब ये जो डायोड है हीट हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इस डायोड को हम लोग फिर से एक बार मल्टीमीटर के मदद से इसको प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। तो चलो मैं इसको चेक करता हूँ, तो हम इस तरह इसको चेक करेंगे, एक तरफ से हमें रीडिंग दिखाना चाहिए और दूसरे तरफ से नहीं, तो ये देख सकते हो एक तरफ से हमारा 150 रीडिंग दिखा रहा है, और दूसरे तरफ से हम चेक करते हैं तो दूसरे तरफ से भी हमारा रीडिंग दिखला रहा है, इसका मतलब ये जो डायोड है वो अंदर से शॉर्ट हो गया है, और ये हल्का शॉर्ट है, अगर फुल शॉर्ट रहता तो हमारा मल्टीमीटर क्या है बीप करता, तो हल्का शॉर्ट जो रहता है डायोड उसको क्या है चेक करने में थोड़ा तकलीफ होता है, जैसे कि अभी देखे हैं हमने किस तरह हमको इसको चेक करना है। तो अगर हमारा डायोड दोनों तरफ से अगर रीडिंग दिखला रहा है तो इसका मतलब हमारा 100% हमारा डायोड ख़राब हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, हम इस पर नया डायोड लगाकर देखेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको पावर सप्लाई देकर देखते हैं। तो मैं इस पर नया डायोड लगाता हूँ, जो कि इसका जो नंबर रहता है 4007 रहता है, लेकिन मेरे पास 4007 नहीं है, तो मैं इस पर 260 डायोड लगाऊंगा, और इसके जगह में आप लोग दूसरा नंबर भी लगा सकते हो, जैसे कि 2399 आता है हमारा डायोड, बहुत से प्रकार का डायोड आता है जो कि उसको आप लोग लगा सकते हो। तो चलो मैं इस पर डायोड लगाता हूँ, तो ये देख सकते हो मेरे पास एक डायोड है जो कि इसका नंबर जो है 207 है, और इसको मैं लगाने वाला हूँ,
और चलो मैं इसको लगाता हूँ। तो हमें क्या है, उल्टा और सीधा देखकर लगाना है, जिस तरफ इस तरह निशान लगा हुआ है इसी तरह हमको देखकर लगाना है, ताकि हमारा लगाते समय कोई भी गलती ना हो। तो मैं इसको ऐसा लगाता हूँ, उसके बाद क्या है, इसको हम लोग सोल्डिंग आयरन से सोल्डिंग करके इसको चेक करके देखेंगे कि आखिर वो जो प्रॉब्लम था वो दूर हुआ कि नहीं। और अगर ये डायोड ख़राब होने के बाद अगर आपका प्रॉब्लम दूर नहीं होता है, तो आप लोग क्या करोगे, जो यहाँ पे मैंने बताया था ट्रांजिस्टर जो कि हमारा 431 रहता है, उसको हमको क्या है एक बार चेंज कर लेना है। उसको चेंज करने के बाद हमारा जो 90% जो है इस तरह का अगर प्रॉब्लम रहेगा तो पूरा ओके हो जाएगा, जो कि वोल्टेज हमारा कम बन रहा होगा या फिर किसी तरह का और भी प्रॉब्लम रहता है जो कि वोल्टेज ड्रॉप होने का है, और कभी कभार कैपेसिटर के वजह से भी हमारा वोल्टेज क्या है ड्रॉप होता है। तो सबसे ज़्यादा इस तरह का प्रॉब्लम में हमारा वोल्टेज जो है ड्रॉप होता है। तो ये देख सकते हो मैंने इसका जो डायोड है वो लगा दिया है। अब चलो मैं इसको फिर से एक बार पावर ऑन करता हूँ, इसका बारी बारी से हम लोग सभी वोल्टेज चेक करते हैं और इसको DTH कार्ड के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। तो मैं इसको इस तरह पहले मल्टीमीटर को रख लेता हूँ और मल्टीमीटर को हम लोग DC रेंज पे सेट कर लेंगे और बारी बारी हम लोग क्या करेंगे वोल्टेज चेक करेंगे। तो चलो मैं इसको पावर सप्लाई देता हूँ और मैंने पावर सप्लाई दे दिया है। अब चलो हम लोग बारी बारी से इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वायर को ग्राउंड करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर इसको ग्राउंड कर लेते हैं, और दूसरे वायर से हम लोग क्या करेंगे रेड वाले से हम लोग बारी बारी उसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका मैं वोल्टेज चेक करता हूँ और बारी बारी से वोल्टेज चेक करना है। तो ये देख सकते हो हमारा 5 वोल्ट जो कि है हमारा बढ़ रहा है। अब बाकी इस तरफ हम चेक करेंगे, जो कि हमारा दूसरा नंबर है, ये हमारा 24 वोल्टेज का है, तो हम इसको 24 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं उसको चेक करेंगे। तो ये देख सकते हो 32-31 वोल्टेज आ रहा है, जो कि बगैर लोड के, अगर हम इस पर लोड डालेंगे तो यह प्रॉपर तरीके से 24 वोल्टेज हो जाएगा। उसके बाद जब हमारा 12 वोल्टेज है उस पर चेक करते हैं, तो इस पर 12 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं उसको, तो ये देख सकते हो हमारा 25 वोल्टेज आ रहा है, जो कि अभी वोल्टेज क्या है लोड अभी इस पर नहीं लगा है, लोड लगने के बाद क्या है वोल्टेज हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा 3.3 है उसको देखते हैं, तो कि 3.3 में हमारा 4.4 आ रहा है, जो कि अभी बगैर लोड का है। अगर लोड डालेंगे इस पर कार्ड अटैच करेंगे तो ये हमारा वोल्टेज फिर से ठीक हो जाएगा। तो चलो हम इस पर DTH कार्ड लगा कर देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम चालू हुआ कि नहीं। तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है और हमारा कार्ड जो है उसको देखते हैं चालू हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह मैंने इसको DTH कार्ड के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। अब चलो हम फिर इसको सप्लाई देते हैं। तो ये देख सकते हो सप्लाई देने के बाद जस्ट ही हमारे यहाँ पे हरा लाइट ग्लो हो गया है, और यहाँ पे हमारा जो इंडिकेटर है वो भी हमारा ग्लो हो रहा है, मतलब इसका डिस्प्ले आ गया है और जो हमारा पावर सप्लाई है वो पूरी तरीके से ओके हो चुका है। तो इस तरह हम इस प्रॉब्लम को रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करना, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।